ये बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे मुनव्वर फारूकी जो है शिवम शर्मा के जीतने के बाद अपसेट बैठा हुआ था और कैमरे के सामने लगातार कुछ ना कुछ शायरियां, कुछ ना कुछ नज़में पढ़ रहा था। और उसी दौरान उन्होंने ये भी बात बोली थी कि मुझे तो अपनों ने ही धोखा दिया, वो शायरी है ना, मुझे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या गम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो ऐसा ही कुछ जो है मुनव्वर फारूकी के साथ हो रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर फारूकी जिस तरीके से दोस्तों वहाँ पर रोया था वो सचमुच में दिल दहला देने वाली बात थी, लेकिन एरिना में शिवम को गुरु मंत्र दे डाला। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में, मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर सेम मेजर इंपॉर्टेंट बात यही है कि शिवम शर्मा का वो जो गोल वाला पूरा था, अरीना का टास्क था, तो उसी टास्क के दौरान जब शिवम शर्मा जीता तो वो पूरी तरीके से सुधबुद खो चुका था। वो बोल रहा था जय शिव शंभू, जय हो शंभू, थैंक यू सो मच, ऐसे करके उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो ऐसे में पायल ने उसको गले लगाया, अंजलि उसके पास आई गले लगाने के लिए, अंजलि अपोजिट ही खेल रही थी, लेकिन अंजलि आई दोस्तों, साथ ही साथ मुनव्वर वहां पर पहुंचा। मुनव्वर ने बोला वेल डन ब्रो, वेल डन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वाओ, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दिस इज कॉल्ड द गेम। अब मुनव्वर जो है कहीं ना कहीं वो शिवम को, आपने देखा था कि शिवम से स्टार्टिंग में ये भी उसने बात कन्फेस करी थी, ये कन्फेस करी है, तो ये मत बोलना कि राहुल अपने मन से बोल रहा है, कुछ लोग हैं बेवकूफ इतने, खैर, तो कन्फेस करी थी कि शिवम से उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हुई थी, थोड़ा सा डर लगा था, बट इवेंचुअली फिर नहीं लगने लगी, लेकिन अभी फिर से हो रही है। तो शिवम बहुत ज़्यादा खुश था और मुनव्वर उसकी खुशी में शामिल हो गया था। यही तो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपको इस बारे में क्या है कहना, ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ और वीडियोस लाता हूँ।